नगर निगम चुनाव की डुगडुगी बजने के बाद मेयर एवं पार्षद पद के दावेदार जनता के बीच आकर चेहरे चमकाने लगे हैं। वहीं मतदाता भी अपने शहर की सरकार चुनने के लिए योग्य प्रत्याशी को तलाशने लगी है। न्यू न्यूज द्वारा शुरू किए गए हमारा मेयर कैसा हो कार्यक्रम के तहत मंगलवार को परिक्रमा मार्ग स्थित गोपाल खार पर धर्म नगरी के संत महात्माओं एवं धर्माचार्यों से निवर्तमान मेयर एवं आगामी चुनाव में कैसा मेयर हो के संबंध में उनकी प्रतिक्रिया जानी। देखिए क्या कहा यहाँ के संत महात्मा एवं धर्माचार्यों ने। बिगुल बजने के बाद जगह जगह चुनाव की चर्चाएं भी चलने लगी हैं। लोग प्रत्याशी अपनी अपनी चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। कोई किसी दल से टिकट मांग रहा है तो कोई किसी दल से, या कुछ निर्दलीय प्रत्याशी भी जगह जगह जाकर अपने समर्थन में फंडवेसिंग करने में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में संत महात्माओं ने भी नगर निगम चुनाव के लिए तैयारियाँ शुरू कर दिए हैं। वो अपने समर्थक प्रत्याशियों को देख रहे हैं किस तरह की उनको उनकी जो समस्याएं हैं, मांगे हैं, उनको कौन प्रत्याशी पूरा कर सकता है, इस संबंध में भी उनसे हम जानकारी लेंगे। आज हम मौजूद हैं परिक्रमा मार्ग में गोपाल खार पर, जहां पर कुछ संत महात्मा इकट्ठे हैं, धर्माचार्य भी इकट्ठे हैं। उनसे हम जानेंगे कि उन्होंने पिछले 5 साल में मेयर के द्वारा कितने विकास कार्य शहर में कराए गए और कितने उनके वादों से संतुष्ट हैं संत महात्मा, और आने वाले भविष्य में जो चुनाव होने वाले हैं उनमें किस तरह का मेयर और पार्षद वो लोग चाहते हैं। आइए हम जानते हैं यहाँ के धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गौड़ जी से कि वो अपने मेयर के कार्य पिछले मेयर के कार्यकाल से कितने संतुष्ट हैं। जी सौरभ जी बताइए। देखिए ऐसा था कि पिछले चुनाव में हमारे सभी संत समाज ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मेयर पद पर पूर्ण बहुमत के संग बिठाया था और सब ने बहुत मिलजुल के काम किया था तो भाजपा का प्रत्याशी जीता। मगर ये बड़े दुख का विषय है कि उन्होंने जीतने के बाद भी जो कार्य वो कर सकते थे, जिस प्रकार वो मथुरा वृंदावन के विकास के लिए अपनी भूमिका निभा सकते थे, मगर पता नहीं किस कारण से उन्होंने वो सक्रिय भूमिका, सकारात्मक भूमिका हमारे मथुरा वृंदावन के विकास के लिए बिल्कुल नहीं निभाई। और हमारे खास करके संत समाज के लिए ये एक बड़ा कष्ट का विषय रहा कि संत समाज ने जैसा उनका साथ दिया, मेयर बनने के बाद उन्होंने संत समाज के पास पलट के भी नहीं देखा। कितनी बार हमारे संतों को अनेक तरीके की समस्याएं आईं, उन तक बातें पहुंचाई गईं, मगर हमारे संतों की बातों को पूरी तरीके से वहाँ सुना नहीं गया। और छोटी छोटी बातों के लिए पहले जैसे हम नगर पालिका में जाते थे, अपनी बातों को रखते थे, बातें सुनी जाती थी, मानी जाती थी, मगर पिछले 5 सालों में विकास की कहीं सड़क बन गई हो या कुछ हो गया हो अलग विषय, पर ना तो बंदरों की समस्या का कोई समाधान हुआ, ना ही हमारी जो यमुना की मेन मांग थी यमुना के मामले में निगम ने कोई काम किया, बल्कि और नाले जो थोड़े बहुत बंद थे वो भी चालू कर दिए। जी आने वाले समय में आप किस तरह का मेयर देख? हम चाहते हैं कि जो भी मेयर आए वो पूरी तरीके से सनातन धर्म और संस्कृति को आगे बढ़ाने वाला होना चाहिए। विकास अपनी जगह है मगर हमारे धर्म और संस्कृति पर अगर कहीं आस्था पर चोट आती है तो सबसे पहले वो कार्य करे। हमें यमुना शुद्ध चाहिए, हमें यहाँ बंदरों से मुक्ति चाहिए, हमें किसी भी तरीके से जो वृंदावन में जो ट्रैफिक की समस्या है इससे मुक्ति चाहिए। केवल एक सड़क बना देने से कहीं और पानी की व्यवस्था कर देने से मेयर की सफलता नहीं मानी जाएगी। मेयर का कार्यकाल रहा कैसा रहा आपके अनुभव के अनुसार? सर्वप्रथम तो जिस प्रकार से वृंदावन की जनता को राजनीतिक कारणों से छला गया यह बड़ा ही निंदनीय है। हमारा और सभी ब्रजवासियों का, वृंदावन वासियों का एक ही मत है कि इस बार वृंदावन का मेयर चाहिए। पार्टी बहुत विचार करे, आज मथुरा में आप देखते हैं तो पार्षदों की संख्या 63 है, वृंदावन के कुल 9 पार्षद हैं, ना ही उनकी सुनी जाती है, ना ही उनके कोई कार्य किए जाते हैं। वृंदावन की पब्लिक आज हर समस्या से जूझ रही है, चाहे वो नाली की समस्या हो, पेयजल की समस्या हो, सफाई की व्यवस्था हो। हाँ, जो मेयर मथुरा के रहे उन्होंने कभी कभी, जैसे चंद्रमा का दर्शन पूर्णमासी को होता है, ऐसे कभी कभी दर्शन तो दिए, लेकिन कार्य क्षेत्र के तौर पर हम तो एकदम भी संतुष्ट नहीं। और हम ही क्या, पूरा वृंदावन और ब्रजमंडल ही उनके कार्यक्रम से संतुष्ट नहीं है। जिस प्रकार से नगर निगम का दायित्व है कि जो
नगर का व्यक्ति ही अपनी समस्या को लेकर के जाए, पहले तो सुनी जाए, अब वहाँ तक तो कोई पहुँचता भी नहीं है, और अगर पहुँच भी जाता है तो उसकी कोई भी समस्या उसको नीचे दबा दिया जाता है। तो वृंदावन इस बार मेयर जो है मथुरा वृंदावन से, वृंदावन से सीट मिलनी चाहिए और वृंदावन से मेयर चुना जाना चाहिए। आपको कैसा लगा और आने वाले समय में आप किस तरह का मेयर पसंद करेंगे? देखिए, प्रदेश में और देश में सनातन धर्म की जो ध्वजा को लेकर चलने वाली ऐसी पार्टी है, और हमें पूर्ण विश्वास था कि हमने जो मेयर चुने हैं वो संतों की बात सुनेंगे। कारण क्या है कि जो रसिक संत होते हैं, जो वृंदावन वास कर रहे हैं, वो वृंदावन सीमा को बाहर नहीं जाते हैं। हमने पहले माननीय योगी जी से भी निवेदन किया था, और जब भी हम यहाँ निवेदन करके हमने कहा था कि यहाँ की व्यवस्था यही होनी चाहिए, संतों की बात यहीं सुनी जाए, तो कई ऐसे मसले थे, कई मुद्दे थे, संतों की बातें नहीं सुनी गई, और संतों की जो तरीके का चाहिए उसे अभी रामलाल जी ने कहा कि मेयर अगर सीधा वृंदावन से होते हैं तो निश्चित ही बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरी बात, अभी हम लोग भी आज धर्मरक्षा संघ संत समाज की यहाँ विद्युत गोष्ठी बहुत बड़ी होने जा रही है, संत समाज निर्णय लेगा, और हम हो सकता है कोई संत ऐसी योगी जी जैसा कोई यहाँ वृंदावन से अगर चुनाव लड़ता है तो निश्चित ही पूरे, क्योंकि धर्मनगरी है और धर्मनगरी को आज पर्यटक स्थल बनाया जा रहा है, आज जाम की समस्या है, वृंदावन में बहुत बड़ा खेल मैदान नहीं मैदान बनाया जाए, डिग्री कॉलेज नहीं है, यहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, क्या क्या किया पाँच साल में, क्या हम लोग कहाँ लेके जाएंगे, इसे आज पर्यटन की बात करते हैं और पर्यटक स्थल बनाए जा रहे हैं, तो ऐसी ना हो उसके लिए भी मंथन किया जा रहा है, और आगे चल के अब देखते हैं कि बिहारी क्या करवाते हैं, और इस पर आज मंथन होगा, संत समाज निर्णय लेगा। आप चाहेंगे कि आए? ऐसा है कि पहले तो मैं इस शासन को साधुवाद धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जो मेयर दिया था उसने जो कार्य किया वह कितने यहाँ के वृंदावन निवासी के लिए कितने फलीभूत हुआ यह वृंदावन के रहने वाले सभी जानते हैं। रह गया कि यहाँ पे कहा जाता है कि हम वृंदावन के स्वरूप को नष्ट नहीं करेंगे, वृंदावन के पुराने स्वरूप को रखेंगे, इसके बाद भी किसी भी शासन ने, चाहे स्वायत्त शासन में मेयर हो, नगर निगम हो, चाहे प्रांतीय शासन हो, इन्होंने आकर कभी साधु समाज की मीटिंग करके नहीं पूछा या ग्रामवासी वृंदावन की मीटिंग लेकर नहीं पूछा कि आप लोगों की विकास के प्रति क्या संभावनाएं हैं, क्या आपके दिमाग में हैं, आप क्या चाहते हैं। रहने वाले से तो पूछा नहीं जा रहा है, और बाहर वालों से के हिसाब से यहाँ पे विकास का कार्य किया गया वो भी जो है नगण्य रूप से। आपका मानना है कि जो यहाँ विकास कार्य जो भी हुए पिछले पाँच साल के कार्यकाल में, ये स्थानीय लोगों से न पूछ के अधिकारियों द्वारा अपने ऊपर अपने आप थोपे गए हैं? जी जी बिल्कुल। किस कोई भी अधिकारी एक बता दे कि हमने सब जनसभा करके या किसी विशिष्ट लोगों को बुला करके या कहीं से साधु समाज से बुला करके या भागवत समाज के जो हमारे भागवत ऋषि व्यास जी हैं इन लोगों को बुला करके या यहाँ के रहने वाले जनसाधारण लोगों को बुलाकर उनमें से किसी एक का प्रतिनिधि बना करके उनने पूछा हो? किस्सा से बेकी एक इसमें अपने तथास्तु कर दूंगा कि एक राजा था, उनने कहा तालाब बना दो, तालाब बन गया। तो दीवान कहे कि तालाब को जी मैं नहीं कहता राजा से कौन बनवाता, तालाब को मैंने बनवाया। इस प्रकार से कहते कहते सिपाही भी कहता है कि तालाब खोदने वाले को मैं देख रेख नहीं करता, तालाब कैसे बनता। इसी प्रकार से यदि एक सड़क बन गई या कोई यहाँ पे बन गया तो उसको मेयर कहेगा मैंने बनाया, विधायक कहेगा मेरे द्वारा हुआ, और लोकसभा के सदस्य भी कहेंगे कि मैंने प्रस्ताव पारित किया तभी हुआ। कार्य जो प्रशासन करता है वो होता है, जैसे हमारे एक माननीय श्री मोहनी शरण जी ने कहा कि यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के शिक्षा के क्षेत्र में, यहाँ के रोल रहने वालों के रूप में, यमुना के किस्सा में इन्होंने क्या किया है, ये तो जो है। आने वाले समय में आप कैसा मेयर पसंद करेंगे? आने वाले समय में मेयर ये चाहेंगे कि जो जन समस्याओं को जन द्वारा प्रस्तुत और जन के द्वारा ही सलाह लेके कार्य करे, ऐसा मेयर होना चाहिए। जैसे प्रदेश सरकार द्वारा आरक्षण की घोषणा करने के बाद में नगर निगम के चुनाव की बिगुल बज चुका है, इस तरह पिछले पाँच साल के कार्यकाल में जो मथुरा वृंदावन नगर निगम में जो विकास कार्य हुए कितने वो सफल रहे, कितने वादे जो चुनाव में किए गए थे पिछली बार तो कितने वादे पूरे हुए और कितने नहीं हुए, किस किस तरह से देखिए ऐसा होता है कि
पिछली पहली बार तो ये निगम बना और निगम में जितना काम मेयर साहब ने किया है उतना किया है, बाकी रह गया है तो हम तो पिछला क्या रह गया है इस पर चर्चा नहीं करते। हम तो अब ये चर्चा करते हैं कि अब जो मेयर होना चाहिए वो वृंदावन का होना चाहिए और वृंदावन का ज़मीन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, जो सबकी बात सुन सके, सब पे काम कर सके। वृंदावन की पहचान पूरा विश्व जानता है। अब जो वृंदावन का मेयर होगा वो पूरे विश्व में उसका डंका बजेगा। इसलिए हम सरकार से चाहते हैं कि अब के जो मेयर हो वो सीधा वृंदावन का हो। और हम चाहते हैं, जैसे देखिए मैं तो बार बार कह रहा हूँ, हर धर्म के क्षेत्र में संतों को आगे आना चाहिए। विधायक साधु होना चाहिए, सांसद साधु होना चाहिए, मेयर साधु होना चाहिए। कम से कम जितने भी तीर्थ स्थल हैं वहाँ पर साधु का आगे आना चाहिए। साधु आएगा तो तीर्थ स्थल बचेगा। इसलिए हम बार बार मांग करते हैं यहाँ की सफाई की काम जो भी काम रह गया है, मुझे लगता है कि अब जो सरकार जो निर्णय लेगी वृंदावन का मेयर बनाया जाएगा और बहुत अच्छा काम आएगा, जो यहाँ की जनता से मथुरा और वृंदावन सबको, क्योंकि आपके क्षेत्र भी बढ़ गया है तो सारे क्षेत्रों को सबको साथ लेके सबका विकास करेगा, सारा काम करेगा, यमुना लेक टेप कराएगा, बंदरों की समस्या से मुक्ति दिलाएगा, जमुना के ऊपर काम करेगा, ये जरूर करेगा, ये सोचना पड़ेगा। आपका मानना है कि इस बार कोई किसी संत को भी जो है यहाँ मेयर के पद के लिए दावेदारी कर देनी चाहिए? 100% एक दो दिन में निकल के आ जाएगा, एक आध साइड कोई संत निकल के आएगा तो एक आध दिन में आपको मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ जाएगा कि संत को इसमें आगे आना चाहिए। और ये आजकल उसको किस तरह का मेयर, कहाँ का मेयर होना चाहिए मथुरा वृंदावन में, मथुरा का हो वृंदावन का हो, इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं। अभी तक पहले मेयर रहे। आज इसी विषय पर हमारे संत समाज ने और हमारे भागवताचार्य कथा व्यासों ने और नागरिकों ने श्रीमद् भागवत मंदिरम में एक बैठक भी रखी है और बहुत समयानुकूल आपने प्रश्न किया है। इस समय जो वर्तमान में मेयर रहे, यद्यपि उनके समय में कोरोना काल आया, उनका नया नया कार्यकाल था, पहली बार नगर निगम बना, इसीलिए किसी को भी इसका पूर्व अभ्यास नहीं था। पूर्वाभ्यास ना होने के कारण एक नवनियुक्त सभी अधिकारी और सभी जितने भी पार्षद और मेयर, ये वस्तुतः जिस कार्य को करना चाहते थे उस कार्य को उन्होंने अपनी तरफ से बखूबी पूरा करने का प्रयास किया। फिर भी हमारे श्री स्वामी नवलगिरी जी ने ऐसा कहा है कि आगामी जो मेयर होगा उससे हम अपेक्षा रखेंगे कि जो जो कमी रह गई है, जैसे अभी नई नई समस्याएं पैदा हो रही हैं, अभी जो ये ट्रैफिक की समस्या आई है, आप जाइए हमारे अटल्ला चुंगी पर इतना जाम लगने लगा है, तो मैं पहली मांग तो अपनी तरफ से ये रखना चाहूँगा कि यहाँ पर ओवर ब्रिज बने और इस समस्या से निजात दिलाया जाए, अन्यथा ये बहुत बड़ी समस्या बिहार जी की तरह उत्पन्न होने वाली है जाम की हमारे यहाँ अटल्ला चुंगी पर। यहाँ पर पानी की, पेयजल की और सफाई की और सड़कों की क्या व्यवस्था है? अभी जहाँ हम रह रहे हैं इस गोपाल खार में, तो ये पहले निगम में था नहीं, अभी अभी निगम में सम्मिलित हुआ है, पूरी तरह से सम्मिलित नहीं हो पाया है। अब कोई समस्या आती है, कहा जाता है तो वो कहते हैं कि निगम का पार्षद बन जाने दीजिए, फिर यहाँ समस्याएँ नहीं रहेंगी। जैसे कभी कभी तो 8-8 दिन तक पानी नहीं आता है। अब आप देखिए पेयजल समस्या 8 दिन अगर पूरी बस्ती में नहीं रहेगी तो फिर क्या होगा? तो धीरे धीरे उन समस्याओं के समाधान का जो प्रयास हमारे नगर निगम के द्वारा किया गया, निश्चित रूप से हमें पार्षद मिलेगा तो होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि पार्षद हमारे वृंदावन का ही हो, जमीन से जुड़ा हुआ हो, हमारी जमुना हो। ये जो बड़ी भारी भीड़ उमड़ करके बिहार जी के कारण यहाँ तक भीड़ से हम लोग प्रभावित हो रहे हैं, इन सब से निजात दिलाई जाए। परिक्रमा का बहुत रास्ता सकरा हो गया है और भीड़ बहुत ज़्यादा होने लग गई है। इस रास्ते को यद्यपि पैसा बहुत लगा पर भी जैसा होना चाहिए वैसा सुगम नहीं हो पाया। सड़कों की व्यवस्था आप देखिए, इतना बड़ा देवी का मेला अभी निकल गया, परंतु दुर्गा पूजन पर बहुत गहरे गहरे गड्ढे चामुंडा के रोड पर हो रहे हैं और वो आज से नहीं हो रहे हैं, लगभग 6 महीने हो गए, और उनसे भी निजात दिलाई जाए और हम चाहेंगे मेयर वृंदावन का ही। बढ़िया है। इस तरह से आप यहाँ पिछले मेयर के कार्यकाल में जो यहाँ कार्य हुए उनसे आप कितने संतुष्ट हैं और कैसा वर्तमान में जो मेयर यहाँ हैं, पहली बात तो यह है कि पब्लिक से उनका रिश्ता हो ही नहीं पाया, केवल अपने ऑफिस में अपने कार्यों के प्रति सद्भावना दिखाई गई पर कार्य नहीं दिखाया गया। जैसे नेता होते हैं उसी प्रकार के मेयर हमें प्राप्त हुए हैं, न ये तक केवल कहना है करना नहीं है, वही नेता होते हैं तो वही हमें ऐसे ही मेयर मिले हैं। यहाँ यात्रियों की संख्या बढ़ी है, धर्म का स्तर बढ़ रहा है और उस उत्तर प्रदेश से ही कार्य सारे आरंभ होते हैं। ये देवभूमि है,
यहीं पर भगवान श्री राम अवध में विराज रहे हैं, यहीं पर भगवान कृष्ण विराज रहे हैं, सभी देवता यहीं पर भगवान काशी विश्वनाथ हैं। लेकिन जैसा कि अभी सब हम देख रहे हैं बाहर के अन्य तीर्थ स्थलों में प्रगति हुई है, वैसी वृंदावन में नहीं हो पाई है। यहाँ वृक्ष लगे हुए हैं बीच में, उन वृक्षों के कारण कई मार्ग अवरुद्ध हैं, जिसके लिए शासन के द्वारा कई बार प्रयास किए गए, लेकिन मार्ग अभी भी चौड़ीकरण नहीं हुआ। परिक्रमा के मार्ग में इसलिए जाम रहता है कि यहाँ पुलिस के द्वारा बार बार बैरिकेड्स लगाए जाते हैं। यात्री परे का सद्भाव लेकर, श्रद्धा लेकर वो दर्शन करके ही जा सकते हैं, यदि नगर निगम इसमें सहयोग करे। मेयर का कार्यकाल रहा आपकी नज़र में कैसा रहा, और आने वाले समय में और क्या क्या अपेक्षाएँ हैं नए मेयर से? ऐसा है, संत महापुरुष देख ही रहे हैं कितना कहां पर विकास हुआ या नहीं हुआ, और सबने बताया भी है। अपना आश्रम मेन स्ट्रीट हनुमान टेकरी है, फोल आश्रम के सामने हनुमान टेकरी, वहां परमानेंट 60 साधु हमेशा रहते हैं, बल्कि बढ़ते भी रहते हैं। तो वहां खारा पानी होने के कारण से पानी बाहर से लाना पड़ता है, तो पानी की व्यवस्था होना चाहिए। कनेक्शन होने के बाद भी पानी नहीं आता है। साफ सफाई के लिए वहाँ मान लो हनुमान टेकरी का द्वार कूड़ा ही दान मान लो, वहीं सब कचरा पड़ता है, उसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। और यहाँ तक कि देखो, वोट एक व्यक्ति से तो कोई जीतता नहीं है, सबके वोट पड़ते हैं ना, सबकी सुनना चाहिए, जन जन की सुनना चाहिए। जो दिखावा में हाईलाइट में उनकी तो सुनी जाती है, जो साधारण हैं सीधे साधु हैं उनकी कोई सुनता नहीं है। आपका तो मानना है कि जो जनप्रतिनिधि चुने जा रहे हैं, जनता के वोट से चुने जाते हैं, वो सभी को बिना किसी भेदभाव के सभी की सुने और सबके सभी के निदान को करें? हाँ, सभी की सुनना चाहिए। ऐसा मेयर चाहिए जो सबकी सुने, छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई भी हो, जिसका काम रुका हो उसका कार्य पूरा होना चाहिए, यही सभी की इच्छा है। और ख़ास करके जो वृंदावन का मेयर होगा उस पर वृंदावन पे फोकस ज़्यादा पड़ेगा। वृंदावन दिव्य भूमि है, भगवान कृष्ण की लीला स्थली है, यहाँ विशेष ध्यान होना चाहिए। साफ सफाई, श्रद्धालु लोग आते हैं उनको कष्ट होता है, इसलिए यहाँ विशेष इसका ध्यान होना चाहिए, ऐसा मेयर चाहिए।